रिजेक्शन लिस्ट जारी हो गई है, आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की जनपद पौड़ी गढ़वाल महिला होमगार्ड भर्ती निस्तारीकरण अभ्यर्थियों की सूची, और ये इसलिए रिजेक्ट किए गए हैं क्योंकि ये फॉर्म जो है 28 अगस्त को प्राप्त हुए हैं, जबकि जो लास्ट डेट थी 23 अगस्त 2023 थी पहुंचने की। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लिस्ट जारी हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं निर्मल जोशी जिला कमांडेंट होमगार्ड। ठीक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। और एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी बात कही है यहाँ पर जो जिला कमांडेंट होमगार्ड हैं पौड़ी गढ़वाल के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए उन्होंने क्या कहा उसके बारे में सुन लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिहरी गढ़वाल के जो जिला कमांडेंट हैं उन्होंने क्या कहा है कि कृपया महिला होमगार्ड भर्ती हेतु तो आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थिनी ध्यान दें। जैसे कि पूर्व में विज्ञप्ति में भी स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रवेश पत्र ऑनलाइन या डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। जी हाँ, अब तक काफ़ी कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि बाय पोस्ट उनके एडमिट कार्ड आएंगे, बट ऐसा नहीं है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है, उन्होंने जिन कैंडिडेट्स ने बाय पोस्ट भेजे उनको रोल नंबर की लिस्ट जो है उनकी वेबसाइट या फिर फेसबुक पेज के माध्यम से या हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे, लेकिन बाय पोस्ट या ऑनलाइन नहीं आएंगे। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है, या उन्हें स्वयं आकर कार्यालय में प्राप्त करना होगा। अतः समस्त अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि वो अपना प्रवेश पत्र कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल से प्राप्त कर लें। तो ये एक टिहरी गढ़वाल के है जिले की खबर है, जहां पर साफ साफ कहा गया है कि आपको अपने जिला कमांडेंट ऑफिस में ही जाकर जो है एडमिट कार्ड लाना होगा। ठीक है, साथ ही अवगत कराना है कि प्रवेश पत्र उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किए गए हैं जिनके डाक यानी कि आवेदन पत्र पोस्ट ऑफिस द्वारा दिनांक 23/8/2023 तक कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जितने भी एडमिट फॉर्म आए हैं सभी को यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं विचार नहीं किया जाएगा और उनको प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि बाय पोस्ट उनके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो बाय पोस्ट एडमिट कार्ड तो नहीं आएंगे। जब एक डिस्ट्रिक्ट ने ऐसा स्टेप ले लिया तो सभी ने ऐसा स्टेप ले लिया होगा। वैसे भी 1 सितंबर से जो है आपके फिजिकल स्टार्ट हैं, तो करना क्या है आपको, जितने भी आपके जिला कमांडेंट हैं उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास हैं तो आप जाके डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये पोस्ट मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, इंस्टाग्राम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लगातार हम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद देखने के लिए।